हाय गाइस, वेलकम टू चैनल मूवीज इन सीन। मूवी नो वे अप 2024 में आई बेस्ट सर्वाइवल मूवी है। मूवी का स्टार्ट एक ब्रेंडन नाम के इंसान के ड्रीम के साथ में होता है, जहां पर वो एक ड्रीम देख रहा है और उस ड्रीम में एक लड़की डूबकर मर रही है। अब इस सपने से डर कर ब्रेंडन जल्दी उठ गया था। ब्रेंडन एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और वो गवर्नर के लिए सिक्योरिटी का काम करता था। इसके बाद हम एयरपोर्ट पे दो लड़कों को देखते हैं, जेट और काइल। यहाँ पर जेट अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता है, क्योंकि ये सब छुट्टियां बिताने किसी दूसरे शहर में जा रहे थे। अब कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर एवा अपने सिक्योरिटी गार्ड ब्रेंडन के साथ आती है। अब यहाँ पर जेट अपनी गर्लफ्रेंड एवा से कहता है कि तुम्हें अपने सिक्योरिटी गार्ड को साथ में नहीं लाना चाहिए, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एवा यहाँ पर कहती है कि ये मेरा फैसला नहीं था, बल्कि मेरे डैड ने फोर्सफुली इन्हें मेरे साथ भेज दिया, क्योंकि एवा के डैड यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट पर एक बूढ़े कपल को भी देखते हैं, जिनके साथ में एक बच्ची होती है। इस छोटी बच्ची का नाम रोजा होता है और ये लोग भी यहाँ से किसी दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहे होते हैं। और इस छोटी बच्ची के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। और रोजा हमेशा अपने साथ एक छोटे टेडी बेयर को रखती है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो ये टेडी बेयर उसके बैग से निकल कर गिर जाता है और उसे इस बात का पता नहीं चलता। मीनवाइल जेड अपनी गर्लफ्रेंड एवा से बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे कि तुम पढ़ाई क्यों छोड़ रही हो और तुम आगे क्या करो। इसके जवाब में एवा कहती है कि मैं किसी इंटरव्यू पर नहीं जा रही, हम घूमने के लिए जा रहे हैं और तुम मुझसे ऐसे सवाल मत करो। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर रोजा अपने टेडी बेयर को ढूंढ रही होती है, जो कि उसे कहीं नहीं मिलता। और जब वो अपने टेडी बेयर को देखने जाती है तो वो एवा से टकरा जाती है। एवा यहाँ पर गुस्से में होती है, इसीलिए वो रोजा को भी डांट देती है। रोजा एवा को कुछ नहीं कहती और रोते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास चली जाती है। एवा को पता चल जाता है कि वो अपना टेडी बेयर ढूंढ रही थी और एवा को वो टेडी बेयर एक जगह गिरा हुआ दिखाई देता है और वो उठाकर रोजा को दे देती है। अपना फेवरेट टेडी मिल जाने पर रोजा बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद ये सभी लोग प्लेन में एंटर होते हैं और अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। इस फ्लाइट में बहुत कम लोग होते हैं और सभी पैसेंजर्स के बैठ जाने के बाद ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ कर लेता है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम डेनियल होता है और वो प्लेन में सभी पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, जैसे कि आपको ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाना है और इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ पर जेड और काइल उस लड़के का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन इस चीज से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सबको खाना सर्व करने लगता है, लेकिन काइल यहाँ पर डेनियल का मजाक उड़ा रहा था, तो डेनियल भी अपना बदला लेने के लिए काइल के ऊपर थोड़ी सी बियर गिरा देता है। लेकिन जब ये प्लेन जमीन से 20,000 फुट ऊपर होता है तो इस प्लेन के सामने कुछ बर्ड्स आ जाते हैं और इन्हीं में से कुछ बर्ड्स प्लेन के इंजन में चले जाते हैं और इंजन में आग लग जाती है और ये प्लेन गिरने लगता है। और इसी वजह से इस प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो अब मरने वाले हैं। और फिलहाल ये प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा होता है और देखते ही देखते इस प्लेन का एक इंजन पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसी वजह से प्लेन पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है और इंजन के कुछ टुकड़े प्लेन के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन में बहुत बड़ा होल हो जाता है। अब ये होल इतना बड़ा हो जाता है कि प्लेन में बैठे पैसेंजर्स बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और पैसिफिक ओशियन में गिरने लगते हैं, और जो लोग अपने सीट बेल्ट के साथ में बंधे थे सिर्फ वही यहाँ पर बच जाते हैं। अब देखते ही देखते ये पूरा प्लेन पैसिफिक ओशियन के अंदर क्रैश हो जाता है और इस प्लेन के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अब इनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से जो जिंदा लोग थे वो प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में चले जाते हैं और ओशियन में बहुत नीचे तक आने के बाद ये प्लेन एक जगह आकर रुक जाता है। लेकिन ये प्लेन खाई के एंड पर खड़ा था। इस ओशियन के अंदर एक बहुत बड़ी खाई भी होती है और ये प्लेन उसके किनारे पर खड़ा था। अब प्लेन के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका है, लेकिन प्लेन के पिछले हिस्से में वहाँ पर हवा अटक जाती है और पानी अंदर नहीं जा पाता। और उसी वजह से यहाँ पर 3-4 लोग जिंदा रहते हैं, जिन्हें हम मूवी के स्टार्टिंग से देख रहे थे, जिनमें एवा, जेड, काइल, छोटी सी बच्ची रोजा और इंस्ट्रक्टर डेनियल होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ यही लोग जिंदा रह गए थे और ये सब बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी यहाँ पर ब्रेंडन आ जाता है, जो कि एवा का सिक्योरिटी गार्ड था, और वो अपने साथ में रोजा की नानी को भी ले आया था। अब यहाँ पर टोटल ये 7 लोग जिंदा होते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। यहाँ पर एवा सबसे कहती है कि हमें कोई ना कोई मदद तो जरूर मिल जाएगी, शायद कोई हमें बचाने के लिए आएगा। तभी ब्रेंडन कहता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब पायलट ने सिग्नल भेज दिया था, तो अब वो हमें ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो काइल नाम का लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है और वो कहता है कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर कितने देर तक जिंदा रहेंगे। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और अगर यहाँ पर भी पानी भर जाएगा तो फिर हम मर जाएंगे। तभी ब्रेंडन उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें पॉजिटिव सोचना है, ना कि नेगेटिव, और हमें उन तरीकों का ख्याल रखना होगा जिन तरीकों की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और हमें वो चीजें भी देखनी होंगी जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और वो
यहाँ पर फ्लाइट क्रू डेनियल से पूछता है कि जहाज के पिछले हिस्से में हमेशा दो सिलेंडर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है, पहले वो चेक करो। तभी डेनियल ब्रेंडर के कहने पर वो सिलेंडर चेक करने जाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि जहाज में दो सिलेंडर तो जरूर है लेकिन वो दोनों ही खाली हैं। अब ये सुनते ही सबकी उम्मीद टूटने लगती है। तभी रोजा की नानी बताती है कि हमारी साथ वाली सीट पर एक पैसेंजर था जो कि अपने साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाया था और हम उस सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ब्रेंडन कहता है कि ठीक है, मैं उस सिलेंडर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम सब यहीं पर रुकना। साथ ही रोजा की नानी ये भी कहती है कि वहाँ पर मेरा हस्बैंड है जो इस वक्त मर चुका है, उसके पास में उसकी एक कैप है, प्लीज वो कैप लाकर मुझे दे देना। तो ब्रेंडन ऐसा ही करता है और वो सिलेंडर लाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर हम और लोगों को देखते हैं जो कि अपने सीट बेल्ट के साथ में बंधे थे लेकिन अब वो मर चुके हैं। फाइनली ब्रेंडन को वो ऑक्सीजन मास्क मिल जाता है और साथ ही उसे रोजा की नाना की कैप भी मिल जाती है। अब जैसे ही वो इन चीजों को लेकर वापस आने लगता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो कि ब्रेंडन के पाँव को खा लेती है। दूसरी तरफ ये छह लोग ब्रेंडन का इंतजार कर रहे थे कि ब्रेंडन जल्दी आएगा। तभी ब्रेंडन वहाँ आ जाता है और वो इन लोगों को गैस सिलेंडर दे देता है लेकिन वो शार्क भी ब्रेंडन के पीछे आकर उसे खींच कर ले जाती है, यानी कि ब्रेंडन की मौत हो जाती है। और इस बात से ये छह लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और टूट जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें ये रियलाइज होता है कि पानी के अंदर शार्क्स भी हैं और अब हम शायद यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब यहाँ पर प्लेन क्रैश होने की वजह से पैसेंजर्स को इंजरीज हुई थी। यहाँ पर काइली नाम का जो लड़का होता है उसके बाजू में इंजरी होती है। अब यहाँ पर रोजा की दादी उसका ट्रीटमेंट करती है और काफी मेहनत के बाद उसकी हड्डियों को जोड़ने का काम पूरा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा है जो कि इसी प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पूरे समंदर के अंदर उन्हें कहीं पर भी एरोप्लेन नहीं मिलता और ना ही एरोप्लेन का मलबा मिलता है, लेकिन वो लोग भी उम्मीद नहीं छोड़ते और वो प्लेन के मलबे को ढूंढते ही रहते हैं। वहीं प्लेन में हम फिर से इन सबको देखते हैं जो कि अब जिंदा रहने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके थे और ये अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को एक लास्ट टाइम याद कर रहे थे, जहाँ पर रोजा की नानी बताती है कि उसे अपने हस्बैंड और रोजा के नाना से आर्मी में प्यार हुआ था। वो आर्मी में एक सोल्जर थे लेकिन दुश्मनों की गोली की वजह से वो सीरियस इंजर्ड हो गए थे। तभी मैं उस आर्मी में एक नर्स का काम कर रही थी, तब मैंने उनका इलाज किया था और उस दिन से आज तक मैंने कभी उनसे दूरियां नहीं बनाई और मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ। और अब जब सारी जिंदगी गुजारने के बाद हम बूढ़े हो गए हैं तो वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तब यहाँ पर बाकी लोग उन्हें संभालते हैं। अब ये सब बहुत ज्यादा डरे होते हैं और हेलीकॉप्टर वाले भी ऊपर चक्कर काट रहे होते हैं लेकिन उन्हें भी इनके मिलने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। और क्योंकि प्लेन पानी के बहुत नीचे था तो वो बहुत अजीब तरीके से आवाज करने लगता है। यहाँ पर ड्रेड नाम का लड़का कहता है कि मैंने इंजीनियरिंग की है और शायद प्लेन टूट रहा है क्योंकि उस पर पानी का बहुत ज्यादा दबाव है और अगर ये प्लेन पिचक गया तो हम यहीं पर मारे जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ये प्लेन एक खाई के एंड पर खड़ा है। तो जैसे ही प्लेन थोड़ा सा सरकता है ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं। अब सभी लोग यहाँ पर बैठ के प्लान बनाने लगते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तभी यहाँ पर एवा कहती है कि हमें शार्क्स का ध्यान भटकाना होगा और हमें तैर कर बाहर निकलना होगा। तभी यहाँ पर छोटी बच्ची रोजा कहती है कि हमें बुलबुलों का सहारा लेना होगा क्योंकि शार्क्स बुलबुलों के पास में नहीं आती। तभी यहाँ पर काइल कहता है कि मैंने देखा था कि प्लेन में ऐसे दो लोग भी चढ़े थे जिनके पास में तैरने वाले दो सूट्स थे और अगर हम लगेज वाले सेक्शन में पहुँच जाए तो उन सूट्स को यहाँ पर ला सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्रू का मेंबर होता है डेनियल, वो बताता है कि प्लेन के अंदर हमेशा खुफिया दरवाजा होता है, अगर हम उस खुफिया दरवाजे को यूज करें तो शायद हम लगेज सेक्शन तक पहुँच जाएंगे और फिर हम वो सूट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर चक्कर काट रहा था उसे भी प्लेन का मलबा मिल जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन इसी जगह पर क्रैश हुआ था। इसी वजह से वो हेलीकॉप्टर दो प्रोफेशनल ड्राइवर्स को स्टिक लोकेशन के ऊपर ड्राइव करवा देता है और वो गोताखोर पानी के अंदर पहुंच जाते हैं और जहाज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर किस्मत इनका साथ देती है और वो लोग जहाज को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और जहाज के करीब जाने की कोशिश करते हैं और ये सभी लोग भी प्लेन की विंडो से देख लेते हैं कि उनकी तरफ कुछ गोताखोर आ रहे हैं। इन सब की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि शायद अब हम बच जाएंगे और वो गोताखोर भी इन लोगों को देख लेता है और वो भी इन लोगों को इशारों में बताता है कि हम तुम लोगों को बचा लेंगे। अब यहाँ पर दो गोताखोर होते हैं लेकिन तभी यहाँ पर एक शार्क आ जाती है और वो इनमें से एक को खा लेती है और दूसरा गोताखोर जब पानी के बीच में से आने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मार देती है। अब इस बात से इन लोगों की उम्मीदें टूट जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि दो गोताखोर थे, एक को तो शार्क ने मार दिया लेकिन शायद दूसरा बच गया हो और शायद वो हमारी तरफ आता हो और ये उसी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बहुत टाइम गुजर जाने के बाद भी वो गोताखोर यहाँ पर नहीं आता, उसी वजह से इन्हें पता चल जाता है कि शायद वो भी मारा गया है और ये सब फिर से नाउम्मीद हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो एवा नाम की लड़की होती है वो कहती है कि मैं तैर कर दूसरे गोताखोर को देखने के लिए जाऊंगी और शायद अगर वो मर भी गया
है तो हम उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो जेड होता है उसका पाँव स्लिप हो जाता है और इसी वजह से वो पानी में गिर जाता है और तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है जो जेड के पाँव को काट लेती है। लेकिन वो जेड को पूरे तरीके से इंजर्ड कर पाती इससे पहले दूसरे लोग उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब वो उसके पाँव को बांध देते हैं ताकि ज्यादा ब्लड बहने से रुक जाए। यहाँ पर एवा जेड से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना। जिसके जवाब में जेड कहता है कि नहीं, मैं आंखें बंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लोग पीछे के रास्ते से लगेज कैबिन में जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक दरवाजा होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, लेकिन एवा उस दरवाजे के अंदर से चली जाती है और वो यहाँ से सीधा लगेज कैबिन में पहुँच जाती है और यहाँ पर पूरा पानी भरा होता है और यहाँ पर वो उन सूटकेस को ढूंढने लगती है जो कि वो दो पैसेंजर्स लाए थे जिनके अंदर स्विमिंग सूट्स थे। लेकिन यहाँ पर एक शार्क आती है जो कि एवा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। अब एवा बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन फाइनली वो किसी तरह से उस बैग को ले आती है। अब सभी लोग उन बैग्स में से सूट्स को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही इन्हें सूट्स मिल जाते हैं तभी इनका ध्यान जेड की तरफ जाता है तो इन्हें पता चलता है कि उसने अपनी आखिरी सांस ले ली है, यानी कि वो मर चुका है। अब इस बात से एवा बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। पहले मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी, उसके बाद ब्रेंडन और अब जेड, और अब मैं बिल्कुल अकेली रह चुकी हूँ। अब मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो उसे संभालते हैं। अब यहाँ पर टोटल 5 लोग ही जिंदा बच गए थे और इन सब के पास में अपने अपने सूट्स होते हैं और ये सभी लोग फैसला कर लेते हैं कि हमें तैर कर यहाँ से बाहर निकलना होगा। एवा कहती है कि जो गोताखोर यहाँ पर आया था हम उसका स्कूबा टैंक यूज कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है और उसके यूज से हम सरफेस पर जा सकते हैं जहाँ पे शायद हमें कोई मदद भी मिल सकती है। अब यहाँ पर जो कायली नाम का लड़का होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मुझे तैरने से बहुत ज्यादा डर लगता है और तब मैं उसकी गहराई में चला गया था और ऑलमोस्ट मैं डूबने वाला था, उसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि मैं ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक नहीं सकता। तभी यहाँ पर छोटी बच्ची रोजा पूछती है कि तुम कितनी देर तक सांस रोक सकते हो। कैली कहता है कि मैं 2 मिनट तक सांस रोक लूंगा। तो एवा कहती है कि इतनी देर तक हम किसी तरह काम चला लेंगे लेकिन सबसे पहले हमें शार्क को किसी तरह दूर भेजना होगा। इसी वजह से ये ऐसे बैग्स को ढूंढने लगते हैं जिनमें हवा भरी जाती है जो कि इमरजेंसी के टाइम पर काम आते हैं और एवा इन बैग्स को हर एक पैसेंजर सीट से उठा उठा कर ले आती है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो रोजा की ग्रैंड मदर थी वो बताती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगी, अगर मैं तुम लोगों के साथ में गई तो तुम लोग धीमे पड़ जाओगे, इसीलिए मैं यहीं पर रुकूंगी और मदद का इंतजार करूंगी। तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाना। इसके बाद वो ये भी कहती है कि तुम लोग प्रॉमिस करो कि रोजा का ख्याल रखोगे। यहाँ पर एवा प्रॉमिस करती है कि हाँ मैं रोजा का ख्याल रखूंगी। यहाँ पर एवा सबको बताती है कि सबसे पहले हम उस स्कूबा टैंक को ढूंढेंगे और फिर हम बारी बारी से सांस लेंगे और जो एरोप्लेन का बड़ा सा होल हुआ है उसके थ्रू बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते ही हम अपनी अपनी रस्सियों को खींच लेंगे जिसकी वजह से हमने जो बैग पहने हैं उसमें हवा भर जाएगी और हवा भरते ही हम सरफेस की तरफ चले जाएंगे और वहाँ पर हमें बचा लिया जाएगा। इसके बाद ये सब लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ से तैर कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इनका तरीका काम आता है और ये बुलबुलों की मदद से शार्क को दूर भगा देते हैं और वहाँ से शार्क दूर चली जाती है। अब प्लेन के अगले हिस्से में आते ही इन्हें वो गोताखोर मिल जाता है। ये लोग उस गोताखोर से उसका सिलेंडर ले लेते हैं और फिर बारी बारी से सांस लेने लगती हैं। यहाँ पर अब तक सिर्फ एवा और रोजा ही पहुँची थी लेकिन डेनियल और काइल ये दोनों अभी भी पीछे हैं। काइल बहुत ज्यादा डर जाता है और इसी वजह से वो आगे तैर कर नहीं जाता और वो एक ही जगह में फंसा रहता है। लेकिन तभी यहाँ पर शार्क आ जाती है और वो काइल को खा लेती है। अब इसीलिए डेनियल को वहाँ से अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर एवा रोजा और डेनियल को ऑक्सीजन सिलेंडर दे देती है और उन दोनों की रस्सियों को खींच देती है, उसी वजह से इन दोनों के बैग्स में हवा भर जाती है और ये लोग सरफेस की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही एवा यहाँ से बाहर निकलने लगती है तो एरोप्लेन का जो टूटा हुआ हिस्सा था उसमें से एक शार्क अंदर आ जाती है और इसीलिए एवा को यहीं पर रुकना पड़ता है और एवा अब ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती थी। लेकिन तभी ये प्लेन सिरकने लगता है और गहरी खाई की तरफ जाने लगता है और एवा किसी तरह इस प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन प्लेन खाई में गिरने लगता है। लेकिन किसी तरह से एवा प्लेन में से निकलने में कामयाब हो जाती है और वो फौरन अपनी रस्सी को खींच देती है और फिर वो सतह की तरफ जाने लगती है लेकिन वो सरफेस तक नहीं
नहीं पहुंच पाती और इससे पहले ही बेहोश हो जाती है और वो काफी देर बाद अपने आप ही सरफेस पर पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी वो बेहोश होती है और कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसकी जान बच चुकी है, लेकिन यहाँ पर रोजा और डेनियल तो है ही नहीं। तो वो उन्हें ढूंढने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और वो एवा को यहाँ पर देख लेते हैं और वो उसकी जान बचाते हैं और उसे ऊपर लेकर आते हैं। यहाँ पर एवा देखती है कि यहाँ पर डेनियल और रोजा पहले से ही हैं और उनकी जान बच चुकी है। यहाँ पर क्रू के लोग पूछते हैं कि क्या कोई और भी जिंदा है। तभी एवा यहाँ पर मना करती है कि नहीं, कोई और जिंदा नहीं है। हम व्यूवर्स देखते हैं कि जो प्लेन खाई के एंड पर खड़ा था अब वो खाई के अंदर गिर चुका है। तो इस बात के बहुत कम चांसेस है कि रोजा की ग्रैंड मदर भी अब जिंदा बची होंगी। अब यहाँ पर हर जगह बस न्यूज में यही चल रहा होता है कि गवर्नर की बेटी को काफी वक्त बाद बचा लिया गया है और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। अब इसी के साथ में ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, जो कि हमें ये सिखा देती है कि चाहे हालात जैसे के भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें उस मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। एवा के अंदर हिम्मत थी, इसी वजह से वो खुद को और अपने साथियों को बचाकर समंदर की गहराई से बाहर निकाल कर लाई है। और यहाँ पर टीम वर्क और हेल्पफुल बिहेवियर होने की वजह से ये लोग जिंदा रहने में कामयाब हो पाए हैं। तो गाइज, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मस्ट सब्सक्राइब इट गाइज। मैं आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग मूवीज लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।